तो चलिए 12 राशियों के राशिफल की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के राशिफल की। पैसा, सेहत, परिवार, नौकरी, कारोबार के हिसाब से इनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि मेष राशि वालों का आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग कौन सा है। पंडित जी बताएं कि मेष राशि वालों का कैसा रहेगा ये सोमवार। मेष राशि में अभी भी चंद्र गुरु राहु की युति बनी हुई है और मेष राशि का स्वामी मंगल, मंगल सूर्य बुध के साथ छठे भाव में है, लेकिन उसकी दृष्टि अपने राशि पर है, तो नए कारोबार में आपके तेजी आएगी। अगर आपने कोई नया व्यवसाय शुरू किया है वो स्पीड पकड़ेगा। जहाँ तक कामकाज की बात है तो ऑफिस में कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे पूरे पेशेंस के साथ एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए और करिए। परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान भी बन सकता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खान पान अच्छा रखें, व्यर्थ के वाद विवाद से बिल्कुल बचने की कोशिश करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बारी आती है वृषभ राशि वालों के राशिफल को जान लेने की। सेहत, पैसा, परिवार, नौकरी, कारोबार के हिसाब से इनका पूरा दिन कैसा गुजरने वाला है, बीतने वाला है, साथ ही ये भी हम जानेंगे कि वृषभ राशि वालों का आज का शुभ उपाय क्या है, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है। पंडित जी क्या कह रहा है? देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके दशम भाव में जो शनिदेव विराजमान हैं अपने मूल त्रिकोण राशि में, वो ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई नई कारोबारी डील आप कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा मुनाफा होने वाला है, अच्छा धन लाभ होने वाला है। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आज दिन कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, इतना आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है कि सिरदर्द की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। किसी से कोई गलत कमिटमेंट ना करें, जो नहीं कर सकते हैं उसका वादा ना करें, धोखाधड़ी ना करें। भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात मिथुन राशि के राशिफल की करेंगे। इनके पास आज पैसा आएगा या फिर जाएगा, मुनाफा बढ़ेगा या फिर घटेगा, रिश्तों के लिहाज से कैसा बीतेगा आज इनका पूरा दिन, साथ ही इनके लिए क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग जान लेते हैं हम पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा होता है और आपके व्यय भाव का स्वामी शुक्र होता है, और चंद्रमा शुक्र का इस समय पंचम नवम इत्थसाल हो रहा है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि आपके आमदनी और खर्चे में समन्वय बना रहेगा। मतलब ना तो आपका हाथ टाइट होगा और ना तो आपका जेब गर्म होगा, दोनों बातें आप मान के चलिए। हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो जरूर आपको पदोन्नति मिलेगी और दाम्पत्य जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ लौटेंगी। ज़्यादा भागदौड़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अनजान व्यक्ति से किसी तरह की अपनी गोपनीय बातें साझा नहीं करनी चाहिए। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, अब जल्दी से बता दीजिए कि कर्क राशि वालों का राशिफल क्या कह रहा है, क्या है आपकी तरफ से उनके लिए सलाह और क्या उपाय है जिसे कर ये अपने दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों से यही कहना चाहूँगा कि अभी आपका राशि स्वामी मेष राशि में बृहस्पति और राहु के साथ है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी सूर्य इस समय बुध के साथ है, तो इसका मतलब कि धन में तो वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं आप निवेश भी कर सकते हैं। अगर आज आप कहीं पैसा लगाएंगे तो उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें, पैसों के लेन देन में लापरवाही ना बरतें, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए राशियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं हम सिंह राशि वालों की। जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशिफल। पैसे, कामकाज, रिश्ते और सेहत के लिहाज से इनका आज का दिन कैसा गुजरने वाला है पंडित जी, बताएं। सिंह राशि में इस समय शुक्र की स्थिति है और धन भाव में बुधादित्य योग है, मंगल भी वहीं विराजमान है, तो कहने का मतलब किसी कारोबारी डील से धन लाभ होने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। अगर आप अभी तक बेरोजगार हैं तो नई नौकरी के लिए आवेदन करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी और भाई के साथ बिगड़े रिश्तों में सुधार होगा। लेकिन अगर वाहन चला रहे हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएं, वरना चोट की संभावना दिखाई दे रही है। किसी अनजान व्यक्ति से अपनी कोई गोपनीय बात आपको नहीं करनी चाहिए, गाय को रोटी खिलानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कन्या राशि वालों की राशिफल की, साथ ही कन्या राशि वालों के लिए आज का शुभ उपाय क्या है, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, ये भी बताएंगे पंडित जी। तो पंडित जी बताएं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में यद्यपि बुध स्वगृही है, सूर्य व्यय भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है और मंगल आपके अष्टम भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ, ऐसे में व्यर्थ का खर्च मुसीबत में डाल सकता है। ऑफिस में रुके हुए काम निपटाने होंगे और लंबे समय बाद अपने लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। मौसमी बीमारियों से जैसे वायरल फीवर, सर्दी, जुकाम, इससे इस समय आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहिए, गुस्सा मत करिए। हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आज की खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कालचक्र में अब बात करेंगे हम तुला राशि वालों की और जानेंगे कि क्या कहते हैं आज इनका संपूर्ण राशिफल, राशिफल के साथ साथ किन बातों पर आज इन्हें करना है गौर और आज कौन सा उपाय, अंक और रंग तुला राशि वालों का दिन बना देगा, सीधे जान लेते हैं पंडित जी से। चलिए, तो तुला राशि के जातकों को बताऊं कि राहु, बृहस्पति, चंद्रमा तीन तीन ग्रह आपकी राशि पर पूरी दृष्टि कर रहे हैं और तो और आपके पंचम भाव में शनिदेव विराजमान हैं और दशम भाव का स्वामी चंद्रमा जब देख ही रहा है आपके राशि को, तो बड़े बुजुर्गों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तब तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि आपके ट्रांसफर के योग हैं, घर में मेहमान आ सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उधार का लेन देन आज तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का पूरा राशिफल, साथ ही जानेंगे आज इनके लिए शुभ उपाय क्या है, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, पंडित जी बताएं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि स्वामी मंगल इस समय एकादश भाव में सूर्य बुध के साथ, संपत्ति से जुड़ा कोई नुकसान हो सकता है मेरे भाई, क्योंकि व्यय भाव का केतु है और ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद करेंगे। बच्चों से मिलेगा आपको शुभ समाचार, लेकिन अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा गुस्सा धन हानि करा सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की, क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज पूरा दिन इनका, पंडित जी बताएं।
देखिए धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय राहु और चंद्रमा के साथ मेष राशि में गोचर कर रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि कारोबार से जुड़ी आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, नई नौकरी के लिए आपको बुलावा आ सकता है और पारिवारिक उलझनें समाप्त होंगी। अगर आपको थोड़ी सी भी एंजाइटी की शिकायत है तो नींद आने से संबंधी रोग भी हो सकता है, आपको योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए और किसी के दबाव में या किसी के संकोच में आकर के आप कोई दस्तखत मत करिएगा, कोई हस्ताक्षर मत करिएगा, वरना ये आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। बिल्कुल संकोच मत करिएगा, जहाँ उचित हो वहीं दस्तखत करिएगा, वरना सीधा जवाब दीजिएगा कि मुझे नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों के आज के राशिफल की। पंडित जी, कैसा रहेगा मकर राशि वालों का आज का ये पूरा दिन? देखो, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में द्वितीय भाव में विराजमान है। ऐसे में किसी पुराने निवेश से मुझे धन लाभ की संभावना तो दिखाई दे रही है। और अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपका बहुत अच्छा दिन व्यतीत होने वाला है। खूब पेशेंस रखिएगा, इससे आपके बिगड़ते रिश्ते भी सुधर जाएंगे। और हाँ, अगर आपकी माँ बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उधार का लेन देन आज आपको नहीं करना चाहिए। पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का राशिफल आज क्या कह रहा है पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि शनिदेव की स्थिति को देखते हुए और बृहस्पति राहु चंद्र की स्थिति को देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि अगर आज कोई नया कारोबार में आप पैसा लगा रहे हैं तो शायद आपका ये निर्णय गलत होगा और नुकसान हो सकता है। ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। भाई के साथ बेवजह विवाद हो सकता है। पाचन से संबंधी समस्या हो सकती है। गलतियों को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। वाद विवाद से बचना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। पंडित जी बताएं और कोई उपाय भी बताएं जिससे अपने दिन को ये और भी अच्छा बना पाए। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बृहस्पति की द्वितीयस्थ स्थिति जो है और शनि की द्वादश स्थिति आपको कर्ज लेने की स्थिति में पहुंचा सकती है। कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। नौकरी में आपके स्थानांतरण का योग बन रहा है। ज़्यादा गुस्सा रिश्तों में दरार डाल सकता है। आपको स्किन से जुड़ी, चमड़े से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। कुत्ते, कौवे और गाय को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी।